कड़ाके की ठंड के बीच तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन जारी है। ऐसे में किसानों ने केंद्र सरकार को दो टोक बात कही है, जिसको लेकर देखिए हमारे संवाददाता राज वर्मा की रिपोर्ट। किसानों के आंदोलन का आज 38वां दिन है। दिल्ली बॉर्डर के तमाम हिस्सों में जिस तरह से आंदोलन चल रहा है, कुछ उसी तरह की तस्वीर दिल्ली हरियाणा के टीकरी बॉर्डर पर भी देखने को मिल रही है। यहाँ भी लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं, लगातार यहाँ पर डटे हुए हैं। इस सब के साथ पुलिस प्रशासन ने भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए, बैरिकेटिंग की गई है। इसके अलावा बड़े बड़े भारी पत्थर रखे गए हैं ताकि किसान यहाँ से दिल्ली के अंदर दाखिल ना हो पाए। इस सब के बीच आज किसान नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 4 जनवरी को सरकार के साथ होने वाली बातचीत और उसके बाद आंदोलन की क्या कुछ रणनीति होगी, इसका पूरा खाका रखा। किसानों ने साफ कर दिया, अगर 4 जनवरी को कोई भी सही निर्णय नहीं हो पाता, यानी कि जो दो मुद्दे हैं जिन पर बातचीत होनी है उस पर सरकार सहमति नहीं जताती है, तो आने वाले समय में किसान अपने आंदोलन को और ज्यादा उग्र करेंगे, जिसमें 6 जनवरी को सिंघू बॉर्डर से केएमपी पर किसान जो है ट्रैक्टर ट्रॉली मार्च करने का प्रयास करेंगे। तो इसके अलावा देश के अलग अलग हिस्सों में और बाकी जगहों पर भी प्रदर्शन को और ज्यादा तेज किया जाएगा। इतना ही नहीं, शाहजहांपुर हरियाणा राजस्थान जो बॉर्डर है वहां पर जो किसान बैठे हुए हैं वो वहां से दिल्ली की तरफ कूच कर सकते हैं। इस तरह की भी योजना एक किसान नेताओं ने बनाई है, यानी कि किसान नेताओं की तरफ से जो आज बयान आए हैं उससे साफ है कि अगर सरकार जल्द उनकी बाकी दो मांगों पर सहमति नहीं जताती है तो आने वाले समय में ना केवल आंदोलन तेज होगा, उग्र भी हो सकता है, और अगर जरूरत पड़ी तो जो टकराव की स्थिति अभी सरकार और किसानों के बीच बनी है यह भविष्य में और ज्यादा गंभीर हो जाएगी। कैमरामैन जगदीश तोमर के साथ राजवर्मा, टीकरी बॉर्डर, इंडिया न्यूज़।